दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रिया में जॉब के बारे में। अगर आप यूरोप में जाके अपना करियर बनाना चाहते हैं और शेंगेन कंट्री में, तो ऑस्ट्रिया एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन होगा। और अगर आपका भी सपना हो कि जाकर के ऑस्ट्रिया में आप अपना करियर बनाएं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जी हाँ, मैंने थंबनेल ये बता दिया है कि अगर आप 10th पास हैं तब भी आप ऑस्ट्रिया जा सकते हैं। जो 10th पास है वो कहीं ना कहीं अपने आप में डिमोटिवेटेड रहते हैं कि हमें कोई काम नहीं मिलेगा, हम विदेश नहीं जा सकते। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर आप 10th क्लास पास हैं तो आप विदेश जा सकते हैं। लेकिन कैसे जा सकते हैं, क्या सैलरी मिलता है, कितना घंटा काम करना होता है, इन तमाम चीजों के बारे में आज आपको मैं विस्तार से बताने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपका होस्ट, आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर में। अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हर दिन मिलता है। शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपको चांस मिले ऑस्ट्रिया जाने का, तो जाहिर सी बात है आप ना नहीं करेंगे। और अगर आप 10th क्लास पास हैं तो मेरी माने तो आप 100% ऑस्ट्रिया में जॉब पा सकते हैं, बशर्ते आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। जैसे कि पहले आपको बनाना है अपना CV यूरोपास, और दूसरा है कवर लेटर। ये दोनों होने के बाद दोस्तों ऑस्ट्रिया के लिए भी आपको PCC चाहिए, ठीक है। PCC अप्लाई करके अपोस्टल करा लीजिएगा, उसके बाद आप अप्लाई कर लें। पहले अप्लाई कर लें, बाद में आप PCC बना सकते हैं। क्योंकि PCC कब चाहिए, जब आपका वर्क परमिट अप्लाई होगा तब चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन होने के लिए पहले आपको एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ता है दोस्तों। और अगर आप इंडियन हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, श्रीलंकन हैं, तो आपको कौन हेल्प करेगा। आप खुद से एम्प्लॉयर ढूंढना उतना आसान नहीं होता है। लेकिन मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि फ्री वीजा हो सकता है, कैसे आगे बताने वाला हूं मैं कि आपको फ्री वीजा कैसे मिलता है, ठीक है। लेकिन देखिए, पहले आपको क्या करना है, एम्प्लॉयर ढूंढना है। एम्प्लॉयर कैसे ढूंढेंगे, बहुत सारे वेबसाइट है, जैसे ग्लासडोर है, ठीक है, इंडीड जॉब है। तो इस तरह का वेबसाइट में जाके पहले आप एम्प्लॉयर ढूंढें, अपना जो प्रोफाइल है, जो भी एक्सपीरियंस है, कोई भी काम के होंगे आप, चाहे आप स्टोर कीपर हो, चाहे आप प्लम्बर हो, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे आप कोई स्टोर में जो काम करते हैं दोस्तों, ठीक है, सेल्समैन हो, कैशियर हो, इसके अलावा जैसे आप डिलीवरी करते हो, ठीक है, चाहे आप बॉक्स को पैकिंग करते हो, अनपैकिंग करते हो, स्टैकिंग करते हो, ठीक है, इस तरह काम अगर आपको आता है पहले से, अगर आपने कहीं सुपरमार्केट में कहीं काम किया है, तो आप बेशक ये सारे जॉब में आप जा सकते हैं और अच्छा खासा आप इनकम भी कर सकते हैं। हालांकि देखिए, जैसे ही आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है फिर आप अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपका एक फॉर्मेलिटी टाइप एक इंटरव्यूज होता है वीडियो कॉल में, और जैसे आपके बारे में जानते हैं वो आपको देखते हैं कि सचमुच में आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, क्या है, और आपने अगर जेन्युइनली सब कुछ बता दिया फिर आपको सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन होने के बाद आपके पास आता है ऑफर लेटर। ऑफर लेटर आने के बाद दोस्तों आपके लिए आपका एम्प्लॉयर जो है वो ये कहता है कि आपका सारे डॉक्यूमेंट आप भेज दीजिए और आप इसी तरह से आपको फ्री वीजा मुहैया कराया जाता है कंपनी की तरफ से। हालांकि VFS चार्जेस, फ्लाइट टिकट्स, ठीक है, मेडिकल जो भी लगता है और एक्स्ट्रा, वो आपको खुद को करना पड़ेगा। बाकी वर्क परमिट आपको क्लाइंट दे देता है। लेकिन ऐसा जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत कम मिलता है। तो लोग क्या करते हैं, लोग किसी भी कंसल्टेंसी का या किसी एजेंसी का सहारा लेते हैं, क्योंकि एजेंसी को वो ट्रस्ट करते हैं। डायरेक्टली किसी कैंडिडेट को कोई कंपनी ट्रस्ट नहीं करता है, वो इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस हो चुका है कंपनियों के साथ में कि लड़कों के लिए वो सब कुछ कर देते हैं, क्योंकि कोटा मिलना बहुत मुश्किल होता है, वो कोटा निकालते हैं आपके नाम से, ठीक है, वो बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, कोई एजेंसी को हायर करते हैं, और एजेंसी को हायर करने के बाद जो लोकल एजेंसी होता है वो इंडियन होता है। इंडियन होने की वजह से क्या होता है, वो आपके बारे में जांच पड़ताल कर सकता है, आपके पास आपके साथ कुछ लिखा, मतलब कुछ भी लिखा रख सकता है वो, ठीक है, और उसके बाद जब आपको वो प्रोसेस करता है तो उनको कम डर रहता है, क्योंकि कल कुछ होता है तो वो एजेंसी को पूछेगा, आपको कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करना, कोई एजेंसी के थ्रू जाना, एजेंसी के थ्रू जाने से लेकिन बहुत पैसा लगता है, ये बात सही है,
कोई 5 लाख चार्ज करता है, कोई 8 लाख चार्ज करता है, कोई 10 लाख, कोई 6 लाख, कोई 7 लाख, डिपेंड करता है कि आपने कैसे नेगोशिएट किया है अपना कंसल्टेंसी वाले के साथ में, ठीक है। लेकिन बात करें दोस्तों इस जॉब के बारे में, तो जॉब मिल जाता है 10वीं क्लास पास वालों को भी। बात करें ड्यूटी आवर्स का, तो ड्यूटी आवर्स लगभग 9 से 10 घंटे का काम रहता है। फैसिलिटीज की बात करें तो खाना पीना, रहना, पीना मतलब दारू नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है, खाना और आपका रहना कंपनी की तरफ से मुहैया कराई जाती है दोस्तों। मेडिकल इंश्योरेंस भी कंपनी प्रोवाइड करती है एज पर रूल, ठीक है। और उसके बाद देखिए, जैसे आपको ऑफर लेटर आता है तो उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, सैलरी, प्रोबेशन पीरियड सब कुछ उसमें मेंशन रहता है। यहाँ पर एक और चीज बताता हूँ, प्रोबेशन पीरियड, बहुत लोग सोचते हैं यार प्रोबेशन होता क्या है। प्रोबेशन का मतलब होता है 2 या 3 महीने का प्रोबेशन रखते हैं, मतलब आपको देखा जाएगा आपका बिहेवियर, आपका काम, आपका स्टाइल ऑफ वर्क सब कुछ देखा जाएगा। अगर कंपनी को अच्छा लगा तो आपको कंफर्म करेगी, नहीं तो थैंक यू बाय बाय, ठीक है। उसको बोलते हैं प्रोबेशन पीरियड। ये हर कंपनी का एक रूल होता है, हर कंपनी एक समय देते हैं हर किसी को कि आप इतना महीने में अपने आप को प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रोबेशन को आप घबराना मत, अगर आपने कहीं काम किया तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया तमाम सैलरी को लेकर के, मुझे उन्होंने बता दिया सैलरी। हाँ सैलरी बता देता हूँ, सैलरी लगभग दोस्तों इसमें आप इंडियन रुपए में लगभग 1 से लेकर 1,80,000 तक आप कमा सकते हैं पर मंथ। रहना खाना फ्री है, और सबसे बड़ा फायदा है कि ऑस्ट्रिया जो है दोस्तों वो बहुत ही खूबसूरत कंट्री होने के साथ साथ इस शेंगेन कंट्री में आता है, ठीक है। इस कंट्री का अगर आपको वीजा मिलता है तो आप कई और देश को भी आप विजिट कर सकते हैं, जाके घूम सकते हैं। ये फायदा है अगर आपको ऑस्ट्रिया में जॉब मिलता है। तो अगर आप फ्री में जॉब को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने कहा जो वेबसाइट नाम बताया मैंने, जैसे इंडीड है, ठीक है, इस तरह का जो वेबसाइट है दोस्तों उसमें जाके एक बार सर्च जरूर करें। अपना प्रोफाइल का जो पोजिशन है, आपका प्रोफाइल जो है, उस प्रोफाइल के हिसाब से अगर सर्च करेंगे ऑस्ट्रिया को लेकर के, तो आपको डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जैसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है दोस्तों, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने पे एक और डर रहता है फ्रॉड होने का। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपका ऑनलाइन आप अप्लाई कर दिए, कोई भी एक बंदा जो वहां पर इंडियन ही बता रहा हूं मैं, वहां जो काम करता है वो आपका प्रोफाइल देख लेता है, ठीक है। देखने के बाद वो आपको फिर झांसा लेके देता है कि भाई हम आपको जॉब दिला देंगे, इतना पैसा लगेगा, कम लगेगा। जैसे कि आप पहले मैंने बताया कि कोई 5, कोई 6, कोई 7 चार्ज करता है, लेकिन वो क्या बोलेंगे आपको, आपको 1 लाख 1.5 लाख हम कर देंगे और पैसा आपसे ले लेंगे और आपका काम भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह के भी केसेस बहुत हो रहे हैं, तो ध्यान रहे। मैं इसका कोई जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप इस तरह से जॉब ले सकते हैं, लेकिन सतर्क भी रहना है आपको, ठीक है। तो जो भी करें ध्यान से करें, क्योंकि ये करियर का सवाल है यार, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हर दिन मिलता है। देर किस बात की है, सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं इसी तरह का एक नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।